हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलेक्सम प्लेस। ऑलेक्सम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के पार्ट टू की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित खेरा और ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। मैंने बीई किया 2013 में और गेट क्वालिफाइड 2014-15 का। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा लिंक है। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों ये वाला तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और काफ़ी डिस्कशन किया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। जैसे e की पावर x, आपको पता ही है क्या होता है, 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 and so on, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर e की पावर आई वाई आ गया तो ये क्या होगा, 1 + iy - y² / 2, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाता है, ठीक है। सेम -iy³ / 3 + y⁴ / 4, ठीक है। इस टाइप से चलता जाएगा तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 1 - y² / 2 + y⁴ / 4 and so on, और इसको हम लिख सकते हैं +iy - y³/3 + y⁵/5 and so on, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, आई वाई है जैसे तो उसको हम लिख सकते हैं cos y + i sin y, ठीक है। यूलर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो ये कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आ जाएगा तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आगे कह रहा हूँ इसमें, जैसे मैंने लिखा e⁻²πi, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2n πi + i sin 2n πi इक्वल टू क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। अब इसे आया e⁻ z, तो e⁻ z को मैं लिख सकता हूँ e⁻ z 2n πi, क्योंकि इतना का क्या रहता है, पीरियोडिक होता है 2π का, ठीक है। तो याद रखिएगा e⁻ z जो है एक पीरियोडिक पीरियड के साथ 2π के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये ऐड कर देते हैं इसको। तो गेट पे क्वेश्चन आया था इस टाइप से कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन में ये दिया था और भी वैल्यू दी थी, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब और देखिए, जैसे e⁻²iy है तो ये क्या होगा, cos y - i sin y हो जाएगा, ठीक है। सेम मैंने बोला cos z है तो cos z की वैल्यू क्या होती है, 1/2 e⁻iz + e⁻-iz होती है। सेम sin z की वैल्यू क्या होती है, 1/2i हो जाती है, नीचे बाकी सेम रहता है, e⁻iz - e⁻-iz हो जाता है, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सेम cos h z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2 e⁻ z + e⁻-z, आई नहीं रहता। सेम sin h z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 e⁻ z - e⁻-z हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा cos z, अभी हमने ऊपर लिखा है cos z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। इसमें मैंने e⁻ i z की वैल्यू पुट कर दी, जैसे cos z = 1/2 iz + -iz, ठीक है, ये होता है। अब इसमें मैंने z की वैल्यू क्या पुट कर दी, x + iy पुट कर दी, कर दीजिए पुट 1/2 e⁻ix + iy + -ix + iy, ये हो गया।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनली 1/2 कॉस एक्स इंटू ए की पावर माइनस प्लस ए की पावर वाई प्लस आई साइन एक्स ए की पावर माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस ए की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है पूरा उसमें इक्वेशन में, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, कॉस एच इंटू कॉस एच जेड माइनस आई साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको निकाल के बता दी, लेकिन डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम साइन जेड की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है, एक ये याद रखनी है, जितना मैंने अभी तक अभी आपको बता दिया ये सब आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा साइन आई जेड, अब देखिए आई ये हो जाएगा 1/2 पाई ई की पावर आई और जेड की जगह क्या है यहाँ पे, आई जेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू ए की पावर आई स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस जेड, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जेड। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो आई ऊपर भेज सकता हूँ मैं इस टाइप से, तो हो जाएगा i/2 e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन एच जेड, तो ये हो गया आई साइन जेड। तो याद रखिएगा साइन आई जेड इक्वल टू होता है साइन एच जेड। सेम मैंने लिखा कॉस आई जेड, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी लगभग, ये हो जाएगी आई जेड माइनस आई आई जेड हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर जेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस एच जेड के इक्वल, ठीक है, कॉस आई जेड। सेम साइन एच जेड है जैसे, इसकी वैल्यू क्या थी, 1/i साइन आई जेड होती है, जगह माइनस आई साइन एक्स प्लस आई वाई। अब इसको पूरा सॉल्व कर लें हम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आई है ये हमारा आई है, साइन इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस आई एक्स, ठीक है, माइनस आई एक्स, तो ये हो जाएगा क्या साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई कॉस एच एक्स टू साइन वाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सेम कॉस एच जेड की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी कॉस एच एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन एच एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको याद रखनी। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेगा, बोल देगा प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो याद रखिएगा नॉर्मली, ठीक है, एल एन ऑफ जेड इक्वल टू होता है एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा जनरल फॉर्म में, प्लस आई टू एन पाई, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आती है याद रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको फाइंड करने को बोलता है तो एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तब आपकी क्या आएगी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। अब एग्जांपल के तौर पे गेट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग 1+√3i, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1+√3i
वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर यानी तीन, ये हो जाएगा फोर, फोर से आया तो मॉड जेड आ गया टू। ठीक है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री बाय वन यानी ये हो जाएगा पाई बाय थ्री, थ्री हो गया पाई बाय थ्री। तो लॉग वन प्लस रूट थ्री आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग टू प्लस आई पाई बाय थ्री टू एन पाई, ये हो जाएगी। अब मैंने बोला प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एन इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा आपको, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग टू प्लस आई पाई बाय थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ई की पावर आई की माइनस आई की पावर आई। ठीक है, इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें कैसे फाइंड करेंगे, माइनस आई की पावर आई है, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई लॉग माइनस आई लिख सकता हूँ। अब इसको और मैं फर्दर लिख सकता हूँ ई की पावर आई इंटू लॉग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग वन प्लस आई माइनस पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, ये हो जाएगी। अब वैल्यू क्या पुट कर दीजिए एन की, जीरो पुट कर दीजिए, एन इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा क्या, ई की पावर पाई बाय टू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर पाई बाय टू, ठीक है, माइनस टू एन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब एन इक्वल टू क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, तो ई की पावर क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, ई की पावर पाई बाय टू हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ही हो गए, अब कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोड की, जैसे जेड वन प्लस जेड टू का अगर मोड लेते हैं, ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल होता है किसके, जेड वन का मोड प्लस जेड टू के मोड के। देखिए इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, आपको प्रॉपर्टी पूछ लेता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। सेकेंड, जेड वन माइनस जेड टू जो वैल्यू होगी वो लेस देन होती है जेड वन प्लस जेड टू के मोड से। थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, जेड वन प्लस जेड टू का मोड ग्रेटर और इक्वल होगा जेड वन माइनस जेड टू से। फोर्थ है, जेड वन माइनस जेड टू जो होता है ग्रेटर होता है किससे, जेड वन का मोड माइनस जेड टू के मोड से। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी, जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री इंटू एन सो ऑन जेड एन तक, इसका मोड बराबर होगा इंडिविजुअल के मोड के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सिक्स प्रॉपर्टी है, जेड वन अपॉन जेड टू का होल मोड बराबर होगा जेड वन का मोड बटे जेड टू के मोड के। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है। अब जैसे क्वेश्चन आया था, पूछा था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज, ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन था रियल पार्ट इक्वल टू, ऑप्शन था जेड माइनस जेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड कॉम्प्लेक्स बाय टू। तीसरा था जेड प्लस जेड कॉम्प्लेक्स बाय टू। चौथा था जेड प्लस जेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये थे। अब देखिए आपको पता है जेड इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट पूछ रहा है ना, आपको पता ही है जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। अब इन दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने पे हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, लेकिन रियल पार्ट आएगा क्या, नहीं। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, रियल पार्ट आ जाएगा ना। तो कौन से ऑप्शन में ऐड करना है कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को और डिवाइड करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एक। इसके अलावा क्वेश्चन था एक और इसी में, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से।
जैसे क्वेश्चन था जेड इक्वल टू एक्स आई वाई, ठीक है, अब बोल रहा था इक्वेशन दी थी मॉड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू वन, लाई ऑन विच पॉइंट, ठीक है, तो ऑप्शन में थी सर्कल विथ वन एंड जीरो सेंटर और रेडियस कितनी, वन, सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू वन। सेकेंड था सर्कल विथ माइनस वन और जीरो, रेडियस कितनी, वन। थर्ड था इसमें वाई एक्सिस और फोर्थ ऑप्शन था एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जेड प्लस वन का मोड बराबर वन किस में लाया करता है, ठीक है। अब आपको देखिए पता ही है जेड प्लस वन का बार इक्वल टू वन दिया है मोड, अब जेड की वैल्यू क्या, एक्स प्लस आई वाई है, इक्वल टू प्लस वन, प्लस वन इक्वल टू कितना है, ये वन के इक्वल है। अब देखिए दोनों साइड वो कर लें, स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब आपको पता है ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन टाइप बन रही है। अब देखिए बेसिक सर्कल इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अब इसको हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स नॉट की जगह कितना है, वन है, माइनस वन है, ठीक है, एक्स नॉट की जगह कितना है, माइनस वन है, वाई की जगह क्या है, वाई नॉट की जगह जीरो है, आर की जगह क्या है, वन है, आर इक्वल टू वन। तो ये किसको फॉर्म कर रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या, सेंटर माइनस वन जीरो और रेडियस कितनी, वन, ऑप्शन हो जाएगा टू। तो ये क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में आया हुआ था। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और भी ऐसी वीडियो आपको जल्दी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का उसको जल्दी से क्लिक करें, और प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं और वीडियो बना पाऊँ इसके लिए, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।